जो लाइब्रेरी है, राजकीय लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह के लोग जो है आकर के इसमें लाभ उठा? राजकीय जिला पुस्तकालय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में स्थापित है। यह लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए, जो एकेडमिक क्लासेस होते हैं उनमें अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, एवं आम जन को उनकी रुचि के हिसाब से अखबार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए स्थापित की गई है। इस लाइब्रेरी में एकेडमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी आते हैं। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं आते हैं। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से पृथक अपनी रुचि के अनुसार साहित्य, इतिहास और अन्य चीज़ों का अध्ययन करने वाले आम जन भी आते हैं। इसमें प्रवेश के लिए मात्र 300 रुपये का कार्ड बनता है और यह कार्ड आजीवन होता है। इस 300 रुपये में आजीवन अध्ययन कोई भी आदमी कर सकता है। छात्र छात्राओं या आम जन की सुरक्षा के लिए इसमें आयुक्त महोदय मुरादाबाद के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें हम लोगों ने वाईफाई की सुविधा दी है। इसमें हम लोगों ने एसी की व्यवस्था कराई है, जिसमें छात्र छात्राओं को गर्मियों में बैठ करके पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसमें बहुत सारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और साल भर में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ करके सफलता अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने प्राप्त किया है। छात्र छात्राओं की सुविधा के अनुसार जो भी छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत करते हैं, उनसे हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी उपयोगी किताबें हैं और जो इस लाइब्रेरी में नहीं हैं, उनकी लिस्ट हमने प्राप्त की। फिर हम नई दिल्ली, मुखर्जी नगर या और जहाँ से भी किताबें हमें मिल सकी, वो किताबें हमने मंगवा करके छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें विशेष रूप से हमारे आयुक्त महोदय की इच्छा अनुसार, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने मंगवा करके छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई है। विभिन्न प्रतियोगी मैगजीन्स जो होती हैं हिंदी और अंग्रेजी में, उनको हम मंगाते हैं। छात्र छात्राओं की रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों तरह की हम लोग मैगजीन्स मंगाते हैं। जो एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं विभिन्न विद्यालयों से, या जो पुरातन छात्र रह चुके हैं उनकी जो पुरानी पुस्तकें हैं हम लोगों ने उनसे लिया है। उनमें से जो उपयोगी पुस्तकें हैं हम उसको इन लाइब्रेरी में शामिल करके इन छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हैं। यह लाइब्रेरी सामान्य पृष्ठभूमि वाले छात्र छात्राओं के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। समय समय पर आयुक्त महोदय से हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। आयुक्त महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय इस लाइब्रेरी का स्वयं भ्रमण और निरीक्षण कर चुके हैं और उनके द्वारा जो सुझाव, जो मार्गदर्शन हमें दिया जाता है उसके अनुसार हम इसको सुसज्जित करने का प्रयास करते हैं। आज की डेट में सबसे कम पैसे में सबसे अधिक सामग्री उपलब्ध कराने वाली जितनी भी पुस्तकालय हैं उनमें से संभवतः ये सबसे अनूठा और सबसे समृद्ध पुस्तकालय है। मैं छात्र छात्राओं से और उनके अभिभावकों से, आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि इस पुस्तकालय में आकर के अपने ज्ञान का संवर्धन करें, इसका सदुपयोग करें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें दें, जिससे कि हम अधिक से अधिक इसको समृद्ध कर सकें। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा जोशी है। तो कौन सी लाइब्रेरी है, कहाँ पर है? सर, ये जो लाइब्रेरी है हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। ये हमारे विशेष शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है उसके कार्यालय में स्थित है। इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रही हूँ सीजीएल की, जो कि ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पर कब से? अप्रॉक्स 1 ईयर हो गया है मेरे को यहाँ आते हुए। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग इसकी मॉर्निंग में 8 o'clock ही ओपन हो जाती है हमारी लाइब्रेरी और इवनिंग में 6 तक चलती है, 6 PM तक। और आपके जो साथी हैं किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ बैंकिंग के बच्चे भी हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी हैं, आपके स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वाले भी बच्चे हैं और टीचिंग की तैयारी के भी काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं। जिन बुक्स की आपको नीड्स होती है क्या वो सारी अवेलेबल है? हाँ सर, अब तो काफ़ी सारी यहाँ पे बुक्स हैं, मतलब जो कि अपडेटेड हैं, न्यू वर्जन की हैं, तो सारी बुक्स तो अवेलेबल हैं यहाँ उसमें।
क्या किसी और लाइब्रेरी में भी आपने? हाँ जी, मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी में डेमो लिया था सबसे पहले, मुझे जब यहाँ के बारे में नहीं पता था, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में तो बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। सबसे बड़ी बात एज अ गर्ल मुझे लगता है जो सेफ्टी यहाँ मिल सकती है वो आपको प्राइवेट में नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्स हैं, मतलब सर काफ़ी डिसिप्लिन बना के रखते हैं, और मतलब एक पर्सनल सपोर्ट देते हैं सर एक लड़की को कि किसी तरीके की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट में वो सब नहीं मिलता, आपको एक कॉर्नर दे दिया जाता है, यहाँ स्पेस काफ़ी है सीटों में, सब कुछ एक एटमॉस्फेयर मतलब आपको, और बाकी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मतलब यहाँ ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं आपकी बात है, तो मुझे लगता है जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी यहाँ है वो प्राइवेट में नहीं है गर्ल्स के लिए। तो चार्जेस क्या हैं? चार्जेस इसके 300 रुपीज़ हैं, लाइफ टाइम चार्जेस हैं, वो एक कार्ड बनता है उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं अपने लिए। और क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि बच्चों को इस लाइब्रेरी में आके पढ़ना चाहिए, प्राइवेट की जगह आप यहाँ पे आओ, आप प्राइवेट में आपको एक कॉर्नर दे देते हैं जिसमें कि मुझे नहीं लगता आप पैर भी ठीक से फैला पाते हो, बट यहाँ एक पूरा स्पेस देते हैं सर आपको, इवन इतना ही नहीं कभी कभार होता है हमारा मोरल डाउन हो जाता है, कुछ एग्ज़ाम नहीं निकले जैसे मेरे साथ पर्सनल हुआ था, तो आपके बड़े टीचर्स हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके साथ के बच्चे, तो हर कोई एक दूसरे को मतलब बहुत सपोर्ट करता है, इवन सर भी हैं जो कि बहुत समझाते हैं, बहुत पुश करते हैं कि नहीं एक बार नहीं हुआ आप कर सकते हो, हम भी एक दो बार नहीं बहुत बार फेल होकर यहाँ पहुँचे हैं, तो सर इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब एज अ पेरेंट आपको बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। क्या नाम है सर? महिमा गुप्ता। तो लाइब्रेरी है, इसमें कितने दिनों से आप तैयारी कर रही हैं? मुझे अब मार्च में 2 साल हो जाएंगे जी, मार्च में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से जी। कितने घंटे आप रोज पढ़ाई करते हैं? 8-9 घंटे। लाइब्रेरी में कैसा एटमॉस्फेयर है और किस तरह की फैसिलिटीज हैं? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब बहुत कोऑपरेटिव है, आसिफ सर तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जो भी चीज़ की हमें नीड होती थी हम डायरेक्ट सर से कहते थे कि सर हमें ये नीड है, सर ने हमेशा फुलफिल किया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग। बैंकिंग तो एग्ज़ाम वगैरह दिया कोई? जी एग्ज़ाम से दी थी दोनों साल। सिलेक्शन वगैरह हुआ है? जी आर्यावर्त बैंक में हुआ है, ग्रामीण बैंक। क्लर्क पोस्ट पर है। इसके अलावा भी कहीं कोचिंग किया था आपने? नहीं सेल्फ स्टडी है। यहीं से स्टडी? जी। क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? बस कार्ड बनता है एक आपको, वो लाइफ टाइम एप्लीकेबल होता है। कितने रुपए का? 300 रुपए का कार्ड है। अच्छा लाइफ टाइम जी। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो आपको पसंद है, मतलब कैसा है? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना कि प्रॉपर फोकस रहें, कंसंट्रेटेड रहें, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, घर से बहुत अच्छा माहौल मिलता है यहाँ पर। महंगी महंगी जो कोचिंग है उसके मतलब पढ़ना तो आपको खुद ही होता है, सेल्फ स्टडी करनी होती है यहाँ, आप सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट प्लेस है। हाँ सब कुछ जो आपको चाहिए होगा वो सब मिल जाता है। बहुत स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, तो बहुत बढ़ गए हैं आप, मतलब सीट आपको मिलेगी नहीं, इतने स्टूडेंट्स हैं। किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सब वही UPSC, SSC, बैंकिंग, UP पुलिस वगैरह के कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।